नमस्कार दोस्तों, मैं हिल्डा हूँ। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ हो। आज का प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट है। अभी लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं जा सकते अच्छे सुंदर गमले खरीदने के लिए, तो चलो हम घर पर ही बना देते हैं। हमें इसके लिए व्हाइट सीमेंट लगेगा। मेरे पास व्हाइट सीमेंट नहीं था तो मैंने जीनी से मंगवाया। आज का जो मैं पॉट बनाने सिखाऊंगी उसमें ये भी दिखाऊंगी कि आप उसमें छेद कैसे बना सकते हैं। एक में मैं मार्बल्ड इफेक्ट दूंगी पॉट में और दूसरे में मैं तीन कलर मिक्स करके एक पॉट बनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं व्हाइट सीमेंट ले रही हूँ। मैं इस टेक अवे कंटेनर में सीमेंट का घोल डालूंगी। ये जो छोटा कंटेनर है इसमें मैंने रेत भर लिया है और मैं इसको बीच में रखूंगी। इसमें मैंने रेत भरी है जिससे ये भारी हो जाए और ये ना हिले। ये गमले का भारी हिस्सा बनेगा और ये गमले का अंदरूनी हिस्सा बनेगा जिसमें हम पेड़ लगाएंगे। अब मैं थर्मोकोल का एक छोटा सा हिस्सा ये छोटे डब्बे के नीचे लगाऊंगी। इससे दो चीजें होंगी। पहली, जो थर्मोकोल की थिकनेस होगी वो गमले का बेस बन जाएगा। दूसरा, जहां पर थर्मोकोल हम लगाएंगे वहां पर एक छेद बन जाएगा। मैं डबल साइडेड टेप लेकर थर्मोकोल चिपका रही हूं। हमें डबल साइडेड टेप थर्मोकोल के दोनों साइड पे लगाना है। अब मैं बड़े कंटेनर को अंदर से तेल लगा रही हूँ। इसके लिए मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं छोटे कंटेनर को बाहर से और नीचे से अच्छी तरह ग्रीस कर रही हूँ। अब मैं व्हाइट सीमेंट और पानी का एक घोल बनाऊंगी। इसमें धीरे धीरे पानी डालिए और इसको हिलाते रहिए और ध्यान रखिए कि इसमें कोई गुठली ना बने। हमें इसे इतना पतला रखना है। अब मैं इसमें कुछ बूंदे ब्लैक एक्रिलिक की डाल रही हूँ और धीरे से इसको हिला रही हूँ। पहले हम दो तीन चम्मच इस घोल का डालेंगे बेस में और इस बर्तन को थोड़ा सा टैप करेंगे। अब हम छोटा बर्तन बीच में बिठा देंगे। अब इन दो बर्तनों के बीच में घोल डाल देंगे। अब स्पून से इसको थोड़ा टैप कर लें जिससे इसमें कोई एयर बबल्स ना रहें। मास्किंग टेप से इसको दोनों तरफ से चिपका दें जिससे ये एकदम ना हिले। टेप लगाने के बाद इसको एकदम ना हिलाएं जब तक ये अच्छी तरह सूख जाए। दूसरे गमले के लिए मैं तीन कटोरियों में व्हाइट सीमेंट का घोल ले रही हूँ और इनमें तीन अलग अलग एक्रेलिक रंग मिलाऊंगी। व्हाइट सीमेंट का घोल अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अब मैं वही प्रोसीजर करूंगी जो मैंने पहले गमले के लिए किया था। इसमें मैं अलग अलग रंग अपने हिसाब से डालती रहूंगी। इसमें मैंने तीन रंग लिए हैं। आप चार भी ले सकते हैं, आप दो से भी बना सकते हैं। ये किसी भी तरीके से बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा सा घोल बच गया था तो वो मैंने एक छोटे कंटेनर में डाल के उसका कोस्टर बना दिया है। इनको मैंने रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था, तो चलो देखते हैं अब कैसे बने हैं हमारे गमले। मैंने बर्तनों में बहुत अच्छी तरह तेल लगाया था इसलिए ये बहुत आसानी से निकल रहे हैं। अब मैं डबल साइडेड टेप निकाल रही हूँ और थोड़ा सा धक्का देके थर्मोकोल का पीस भी निकाल रही हूँ।
अब हमें 150 नंबर का रेक मार्ग लेना है और इन गमलों को पानी में डाल के धीरे से इनको घिसना है। इससे इनमें बहुत अच्छी फिनिश आ जाएगी। अब मैं इनको अच्छी तरह से सूखने दूंगी। ये मेरा सैंपल पीस है जो मैंने पहले बनाया था। इसमें नीचे मैंने ग्रे कलर डाला है और ऊपर वही किया है जो मैंने पहले गमले के लिए किया था। इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा घिस के गोल आकार दे दिया है और इनको मैंने सिर्फ कोनों में घिसा है। आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। इसको हम कोस्टर जैसे यूज कर सकते हैं या इस पे हम गमला भी अपना रख सकते हैं। अब ये गमले अच्छी तरह सूख गए हैं। अब हम इन पर वार्निश लगाएंगे। इन तीनों पे मैं ग्लॉस वार्निश लगाऊंगी और इस पर मैं मैट वार्निश लगाऊंगी। वार्निश लगाने के लिए मैं फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इन पे दो कोट वार्निश के किए थे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बढ़िया चमक आ गई है और इसमें बहुत अच्छा मैट फिनिश आ गया है। मैंने इन दो गमलों के लिए दो पोस्टर्स भी बना दिए थे। इनको मैंने अभी फिनिश नहीं किया है। मैं इनको फिनिश करके इनका पिक्चर मैं बाद में डाल दूंगी। अब मैं इनमें पेड़ लगाऊंगी। मैं इन सब में सक्यूलेंट्स लगाऊंगी। सक्यूलेंट्स के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उस पर मेरा एक वीडियो है। मैं आई बटन में उसका लिंक डाल रही हूँ, आप उसको जरूर देखें। इसको और सुंदर बनाने के लिए आप मार्बल चिप्स भी डाल सकते हैं और थोड़े से शेल्स भी डाल सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही लौटूंगी एक और वीडियो के साथ। अब विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और जितना हो सके घर पर ही रहिए।